करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा, आम लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। एनपीसीआई ने किसी भी तरह के शुल्क से इनकार किया है, तो ये राहत की खबर है। जिस तरह की चर्चाएं थी उनके बीच, पूरी तरह से फ्री है बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, केवल मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर हालांकि चार्ज लगेगा और 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा। तो एनपीसीआई की ओर से किसी भी तरह का शुल्क लगाने से इनकार किया गया है, 1 अप्रैल से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन से जुड़ी, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फ्री रहेगा। तो अब तक ये सवाल था कि क्या 1 अप्रैल से यूपीआई से लेन देन महंगा होगा, एनसीपीआई ने इस पर सफाई दे दी है। चलिए अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता फोन लाइन पर गए। अमित, अब तक की जो चर्चाएं की क्या 1 अप्रैल से यूपीआई से लेन देन महंगा होगा, एनसीपीआई की ओर से साफ कर दिया गया कि कोई शुल्क नहीं लगेगा। जी बिल्कुल ज्योति, घबराने की बात नहीं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार के मैसेज वायरल थे कि यूपीआई पेमेंट पर अब 1.1 की तरफ से चार्ज लगा करेगा, तो ऐसे में लोगों में बड़ी आशंकाएं थी। उनको लग रहा था कि महंगाई का एक बड़ा झटका जो है अब यूपीआई पर भी लग गया है। पहले डिजिटल की बात की जा रही थी और ऐसे में नोटबंदी के बाद से जब से यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ा है उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ना था, तो ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि 1.1 की जो फीस है वो अब उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके लिए सबसे अहम बात यही है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी ओर से सर्कुलर जारी कर सुझाव दिया गया है कि 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर 1.1% का चार्ज लगेगा, लेकिन वो चार्ज मर्चेंट के लिए है, जो यूपीआई के जो रूटीन में जो लोग यूज करते हैं उसके लिए यह चार्ज नहीं है। तो ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, केवल पीपीआई जो फीस है वो उस पर यह लागू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आम लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है। जी बिल्कुल, तो एनपीसीआई की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आपने दी बातचीत की। तो बड़ी खबर आपको बताई और ये राहत की बात भी है कि नए वित्त वर्ष से यूपीआई का जो लेन देन है वो आम लोगों के लिए उसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है, एनपीसीआई की ओर से सफाई दे दी गई है। हालांकि 2000 रुपए की हम बात करें तो यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 1.1% प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने की सिफारिश जरूर की गई है।